हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कोरोना के क्या हालात हैं और इससे निपटने के लिए हर स्तर पर कहां किस तरह की मुस्तैदी हो रही है, आइए जल्दी से जान लेते हैं देश का कोरोना अपडेट। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को कोरोना हो गया है। गडकरी ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी। गडकरी ने लिखा, कल से कुछ कमजोरी महसूस हो रही थी, डॉक्टर से सलाह ली, चेकअप कराया, कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आप सबकी दुआओं से फिलहाल ठीक हूँ, खुद को आइसोलेट कर लिया है। जो लोग मेरे संपर्क में रहे हैं उनसे निवेदन है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह कोरोना संक्रमित हैं। कुछ दिन से कल्याण सिंह लखनऊ में भर्ती थे, अब उन्हें इलाज के लिए गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश में कोरोना के मरीजों की तादाद 50 लाख से ज्यादा है। 82,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हफ्ते भर से हर दिन औसतन 90,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। एम्स का मानना है कि कोरोना का प्रकोप अब शहरों से निकलकर गांवों तक पहुंच गया है, इसलिए केस तो बढ़ेंगे, कोशिश है कि मृत्यु दर को कम किया जाए। सिर्फ कुछ शहरों तक सीमित थी, अब जो छोटे शहर हैं वहाँ पहुँच रही है, गांव में पहुँच रही है, तो केसेस बढ़ेंगे। हमारे यही है कि अगर बीमारी हो रही है, हम नहीं रोक पा रहे हैं, तो कम से कम मृत्यु रोक दें। रूस ने कोरोना वैक्सीन बना ली है। भारत में रूस की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल और वितरण के लिए डॉक्टर रेड्डीज लैब ने रूस के साथ करार किया। रशियन डायरेक्टरेट इन्वेस्टमेंट फंड और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी लिमिटेड के बीच करार हुआ है। करार के मुताबिक इस साल के अंत तक रूस डॉक्टर रेड्डी को स्पुतनिक वी वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक भेजेगा, जिसके लिए क्लिनिकल ट्रायल पूरा करने के बाद डॉक्टर रेड्डी संबंधित विभागों से अप्रूवल लेगा और वैक्सीन वितरण से पहले जरूरी प्रक्रिया पूरी करेगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने फैसला लिया है कि कोरोना मरीजों के घर के बाहर होम क्वारंटीन और आइसोलेशन के पोस्टर नहीं लगाएगा। पंजाब सरकार पहले ये फैसला ले चुकी है। चंडीगढ़ प्रशासन का कहना है कि पोस्टर लगाने से लोगों में हीन भावना आती है। देश में कोरोना की वैक्सीन कब आएगी इसका इंतजार है, लेकिन योगी सरकार ने इसके रखरखाव का इंतजाम कर लिया है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया है कि वैक्सीन कभी भी आए स्वास्थ्य विभाग तैयार है। प्रदेश में सभी जगह कोल्ड चेन की व्यवस्था है, कभी भी वैक्सीन आएगी उसके इस्तेमाल की भी पूरी प्लानिंग है। स्वास्थ्य विभाग इस मामले में तो पहले से ही पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि हमारे हर जनपद अस्पताल पर हमारा कोल्ड चेन का एक व्यवस्था है। दिल्ली में कोरोना के मामले फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 5,000 नए केस आए हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना के बढ़ते हुए मामले के मद्देनजर अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाने के लिए दो और सरकारी अस्पतालों को आंशिक रूप से कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया है। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल और बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल को 19 सितंबर तक 100 अतिरिक्त कोविड बेड्स बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको कोरोना से सावधान तो रहना है, लेकिन पहले से कई गुना ज्यादा। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना से जुड़े एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। कोरोना से ठीक हो रहे मरीजों को दोबारा कोरोना होने के केस सामने आए हैं। इसे ठीक से समझने के लिए हमारी यह रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना से ठीक होने का आंकड़ा बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बीच एक डराने वाली खबर सामने आई है। कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों को दोबारा कोरोना का संक्रमण हो गया है। एक बार कोरोना से संक्रमित होने के बाद शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बन जाते हैं, जिससे दोबारा संक्रमण का खतरा नहीं होता। लेकिन दिल्ली में CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के रिसर्च में दोबारा संक्रमण का खुलासा हुआ है। आखिर किसी को दोबारा संक्रमण कैसे होता है? क्या होता है, जब वायरस म्यूटेट करता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा, उस जीनोम के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा जो उसमें बन रहा है। लेकिन जब वायरस म्यूटेट कर जाता है तो उसका जीनोम थोड़ा सा बदल जाता है, तो जब वो वायरस दोबारा से अटैक करेगा तो एंटीबॉडी जरूरी नहीं है कि पहले वायरस के अगेंस्ट वाली जो एंटीबॉडी है वो इसमें काम आ जाएगी। दरअसल वायरस म्यूटेट करता है, कहने का मतलब वो अपनी आंतरिक संरचना को पहले से बदल लेता है और उस बदले हुए रूप के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडीज नहीं होती और मरीज दोबारा संक्रमित हो जाता है। चिंता की बात ये भी है कि जिन मरीजों पर परीक्षण किया गया दोबारा संक्रमित होने पर उनमें कोई लक्षण नहीं दिखे। नोएडा, दिल्ली, मुंबई और तेलंगाना से दोबारा संक्रमण के केस आए हैं। हालांकि दोबारा संक्रमित केस की संख्या बेहद कम है। 6 महीने पहले हमारी तैयारी उतनी नहीं थी, आजकल हमारी पूरी तैयारी है, तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, ना री इन्फेक्शन से ना कोरोना से।
लेकिन कोरोना से बच जरूर सकते हैं। पहले भी हम बोलते थे 100% आप बचाव कर सकते हैं। दोबारा संक्रमण की संख्या तो कम है, लेकिन अगर इसकी संख्या बढ़ती है तो कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने और उसे अपडेट करने का काम बेहद मुश्किल होगा। कोरोना देश को कितने खतरनाक स्तर पर ले जाएगा, इसका अंदाजा लगा पाना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इस बीच कोरोना के साथ डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ने भी चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के साथ दूसरे फ्लू होने से मरीज की हालत और गंभीर हो जाती है। हाल ही में दिल्ली एम्स अस्पताल में मरीजों को कोरोना के साथ डेंगू या मलेरिया के करीब 50 केस सामने आए हैं। ये स्थिति और भी खतरनाक है। दरअसल कोरोना, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं। इस बीच डॉक्टरों को मरीज की ठीक ठीक बीमारी का पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। डिफिकल्ट होता है इनिशियल स्टेज में डायग्नोसिस करना क्लिनिकली, बट धीरे धीरे जब एक बीमारी जो डोमिनेट करती है और दूसरी बीमारी को, तो क्लियरली पता चलता है कि ये डेंगू है, ये चिकनगुनिया, तब तक लेट हो जाता है। देर से लक्षणों के दिखने की वजह से मरीज की हालत गंभीर हो जाती है और इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर किसी मरीज के साथ ऐसा होता है तो उसे क्या करना चाहिए, सुनिए। जहाँ भी जरूरत पड़ती है तो वहाँ मलेरिया का टेस्ट कर सकते हैं, डेंगू का कर सकते हैं, कोविड का कर सकते हैं, और आजकल ऐसे टेस्ट उपलब्ध हैं जो कुछ ही घंटों में इन तीनों का रिजल्ट आ जाएगा।